कबीर इज आवर बेस्ट, इससे पहले वो कुछ और करे किल हिम, कोई तो होगा जो कबीर तक पहुंच सके। करेंगे वार टू की शूटिंग। ग्लोबल लेवल की फिल्म बनाने में जुटे आदित्य चोपड़ा और अयान मुखर्जी। ऋतिक रोशन की स्पाई थ्रिलर वार का सीक्वल की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स का लेवल अब और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि इसमें अब साउथ एक्टर की एंट्री भी हो गई है। इस बार वार 2 में ऋतिक रोशन के साथ RRR एक्टर जूनियर NTR लीड रोल में नजर आने वाले हैं। ऐसा पहली बार होगा जब ऋतिक रोशन और जूनियर NTR स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। मेकर्स ने अपने स्पाई यूनिवर्स में साउथ एक्टर को लेने का फैसला इसलिए किया है ताकि फिल्म की पैन इंडिया अपील बढ़ जाए। आयन मुखर्जी द्वारा निर्देशित वार 2 की शूटिंग इसी साल नवंबर से शुरू होने जा रही है। वार 2 के बारे में एक ट्रेड सूत्र ने बताया, सबसे बड़े नाटकीय अनुभव के लिए तैयार हो जाइए जब ऋतिक वार 2 में जूनियर NTR के मुकाबला करेंगे। फिल्म को एक ऐसे पैमान पर तैयार किया जा रहा है जिसे भारत में पहले कभी नहीं किया गया है। आदित्य चोपड़ा और आयन ने इस फिल्म को ग्लोबल लेवल की फिल्म बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल पोप प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मेकर्स इसी साल नवंबर में अपना शूटिंग शेड्यूल शुरू करने वाले हैं। सूत्रों ने आगे बताया, वार 2 में NTR को लेने की बड़ी वजह फिल्म को बड़े पैमान पर पैन इंडिया अपील दिलाना था। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को अपने स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वार 2 की बात करें तो एक बार फिर इस फिल्म में ऋतिक कबीर के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन इस बार यशराज फिल्म्स की वार फ्रेंचाइजी के सीक्वल वार 2 को सिद्धार्थ आनंद नहीं बल्कि आयन मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे।